देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स से हम क्या मेजर करते हैं? हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स ये डिफाइन करता है कि जो मान लीजिए हमारे पास तीन डिफरेंट शेप के कंटेनर हैं, एक ये हो गया, एक सर्कुलर हो गया और एक ट्रायंगल हो गया। इसमें यदि हम इस हाइट तक फ्लूइड फिल कर दें, यानी कि तीनों की हाइट सेम है, और इसमें जो प्रेशर मेजर करेंगे, यानी कि इसमें जो प्रेशर हम मेजर करने वाले हैं, मेजर करें तो तीनों में जो प्रेशर आएगा वो सेम आने वाला है। यानी कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड करता है हाइट पे। देखिए, ओनली डिपेंड करता है हाइट पे कि कितनी हाइट तक इसमें फ्रूट फिल है। ये हो गया, मैंने क्या कहा, पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स क्या डिफाइन करता है? हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स ये डिफाइन करता है कि जो प्रेशर यानी कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई होता है इस फ्लूइड के कारण जब वो रेस्ट में रहेगा, तो वो केवल डिपेंड करता है हाइट पे, जो वेसल होता है उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। और ये जो इतना फोर्स अप्लाई कर रहा होता है ना, ये होता है उसके वेट के बराबर। यानी कि इसमें जो नेट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है ना, वो उसके वेट के बराबर होता है। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। देखिए, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स है, हमको ये पता करता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा होता है वो केवल हाइट पे डिपेंड करता है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, हाइट पे डिपेंड करता है, वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करता। और इसमें जो नेट डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है, वो जो फ्लूइड होता है उसके वेट के बराबर होता है। देखिए, प्रूफ करते हैं। हम दो शेप लेंगे, समझ लीजिए हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, इसमें ये एक वेसल है। अब देखिए, इस पर यहां पर इसकी वजह से ये टोटल हाइट इसकी h है, ठीक है, यहां पर इसका एरिया हो जाएगा a। तो इस पर जो प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो होगा fp इज इक्वल टू रो g h a, रोजी एच ए, इतना प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस सरफेस पे जिसका एरिया ए है और इसमें यहां एच हाइट तक फ्लूइड फिल है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं वेट, वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट हो जाएगा रोजी। देखिए, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो देखिए, यह आ गया रोजी एच ए, प्रूफ हो गया। ये तो था क्या, सिंपल। चलिए, इसको इरेज नहीं करते, इसको कवर अप कर देते हैं और इसके अलावा रिमेनिंग बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा शायद कि ऐसा शेप ले लें, दूसरा शेप ले लेते हैं। समझ लीजिए, हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी की टोटल हाइट है h, यहां से यहां तक की हाइट है स्मॉल h, ये वाला जो एरिया है ये एरिया है a और ये टोटल एरिया है ए। देखिए, अब इसमें यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो मान लीजिए हो रहा है एफ पी वन और यहां पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ पी टू। मैंने क्या कहा, नेट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स Applied by the fluid is equal to weight of the weight, जो कि लिक्विड का वेट होगा। तो देखिए, अब ये वाला सरफेस है, इस पर जो प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इस पर कितना प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड करता है, तो एफ पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच ए। इस पर जो प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो फिर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा क्योंकि हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो रो जी एच ए। यदि हम इसका वेट निकालें, वेट निकालें तो वेट कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। देखिए, रो, सॉरी मैं क्या लिखा हूं, वेट हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं। देखिए, इसमें यहां पर जो फ्रूट रहेगा उसकी जो हाइट रहेगी वो इतनी हाइट रहेगी, यानी कि उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा a मल्टीप्लाइड बाय h माइनस h, क्योंकि इस वाले फ्लूइड के लिए जो वॉल्यूम रहेगा वो तो इतना ही वॉल्यूम रहेगा ना, और ये वाला वॉल्यूम प्लस h
और इसके लिए एरिया रहेगा ये। तो ये आ गया वेट ऑफ द फ्लूट। अब मैं प्रूफ करने वाला हूं नेट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूट। तो ये लग रहा है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ वी वन, और एफ वी टू हो रहा है वो अपर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है एफ वी टू इज इक्वल टू। अब देखिए एफ वी टू जो अप्लाई होगा यानी कि वर्टिकल अपर डायरेक्शन में वो कितना अप्लाई होगा, देखिए यहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं रो जी, और इसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी हाइट रहने वाली है, इसके लिए जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है h h, लेकिन ये कौन से एरिया पे अप्लाई होगा टोटल एरिया माइनस a, यानी कि a माइनस a इस एरिया पे अप्लाई होने वाला है। अब मैं प्रूफ करने वाला हूं एफ नेट इज इक्वल टू एफ पी वन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस एफ पी टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं रो जी, चलिए रो ना लिख के रो जी को मैं लिख देता हूं ओमेगा एच ए, और इसको भी लिख सकता हूं स्पेसिफिक वेट एच ए माइनस ए, ठीक है एफ पी वन हो जाएगा स्पेसिफिक वेट एच ए माइनस स्पेसिफिक वेट एच ए माइनस ए, स्पेसिफिक वेट को मैं भाग ले लूंगा एच ए माइनस एच ए प्लस एच ए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं एच एच को भी भाग ले लेता हूं स्पेसिफिक वेट एच, देखिए ए को भाग ले लूंगा मैं ए एच माइनस एच इंटू एच ए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वेट के बराबर आ गया, यही कहता है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स द प्रेशर फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द कंटेनर is depend only depend on the height and the net vertical downward force applied by the fluid, the net downward force applied by the fluid is equal to weight of the fluid, और ये container के shape पे depend नहीं करता है, और जो downward force apply हो रहा होता है ना fluid के द्वारा वो उसके weight के बराबर होता है, यानी कि net weight, क्योंकि इसमें देखिए इसमें एक फोर्स नीचे डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है एक अपवर्ड अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने एक टर्म को डिफाइन कर दिया नेट डाउनवर्ड कितना फोर्स अप्लाई होगा वही तो बराबर होगा वेट के बराबर, जितना फ्लूड होगा उसका वेट ही तो होगा वही वेट तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा, तो ये प्रूफ हो गया जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता ओनली हाइट पे डिपेंड करता है, और जो नेट डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा होता है वो फ्लूड के वेट के बराबर होता है। यही जो चीजें हैं यही हम अप्लाई करने वाले हैं आगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई, जो हम प्रेशर कैलकुलेट करने वाले हैं प्रेशर का सेंटर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए ये हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स इसलिए समझना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।